गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है संविधान की, इस क्लास में हम मौलिक कर्तव्यों को डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ जाता है इससे, ठीक है। और इसके बाद हम राष्ट्रपति वगैरह आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले आप समझिए कि जो हमारा जो संविधान है, संविधान में बहुत सारी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, ठीक है। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आप इन्हें कह देते हो या इन्हें मौलिक कर्तव्य हम कह देते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि मौलिक कर्तव्यों को हमने कहाँ से लिया है, हमारे संविधान में इन्हें कहाँ से शामिल किया है। तो इन्हें हमने लिया है रूस के संविधान से, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ इसे कह देते हैं, या फिर इसे आपको एग्जाम में जो मिलेगा लिखा हुआ वो क्या मिलेगा, पूर्व सोवियत संघ लिखा मिल सकता है आपको, या फिर रूस लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो मौलिक कर्तव्य थे, ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। हमारा जो मूल संविधान था, अब जब भी मूल संविधान की बात होती है, उसका मतलब ये होता है कि मूल संविधान का मतलब है जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस समय ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे। बाद में हमने क्या किया है, इन्हें बाद में एक्सेप्ट किया है, इन्हें संविधान में बाद में शामिल किया है। कब शामिल किया है, तो देखिए संविधान में एक संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 1976 में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। एक समिति बनी थी इसके लिए, उसे कहते हैं हम सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और वो कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, स्टार्टिंग में मात्र हमने 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े थे, ठीक है। क्या ये मूल संविधान में थे, मूल संविधान में नहीं थे, संविधान लागू हुआ समय नहीं थे, बाद में हमने रूस से लिया है, रूस से अपनाया है। आप समझिए कि मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य का मतलब है जैसे इससे पहले हमने पढ़े थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वो राज्य के कर्तव्य बताए गए थे। यहाँ पर देश के नागरिकों के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। हम और आप भारत के नागरिक हैं, और प्रत्येक भारत के नागरिक के कुछ कर्तव्य हैं, और उन्हीं कर्तव्यों को यहाँ पर, उन्हीं ड्यूटीज को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान में 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इन मौलिक कर्तव्यों को कहाँ पर रखा गया, तो देखिए इसी संविधान संशोधन के द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया संविधान में, एक नया भाग जोड़ा गया, और वो भाग कौन सा था, वो भाग था भाग 4 क। और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया इसी भाग में, और वो अनुच्छेद कौन सा था, अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 क एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, और भाग जोड़ा गया 4 क, ठीक है। और इसे जोड़ने के बाद इसमें कुल मिला के कितने मौलिक कर्तव्य रख दिए गए बच्चा, 10 मौलिक कर्तव्य यहाँ रख दिए। अब हुआ क्या कि बाद में हमने संविधान में एक संशोधन किया है, 2002 में आया था, 2003 में जाके वो लागू हुआ था, और वो है 86वां संविधान, 2002 के एंड में ही लागू हो गया था, और वो था बेटा 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन ये कब हुआ है, 2002 में, ठीक है, और बिल्कुल एंडिंग में लागू हुआ था, इसीलिए कहीं कहीं 2003 भी लिखा मिल सकता है आपको, मैं यहाँ पर 2003 भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये लागू हुआ, और एक मौलिक कर्तव्य इसके द्वारा भी जोड़ा गया, एक मौलिक कर्तव्य इसके द्वारा जोड़ा गया। और इनकी संख्या जो थी वो टोटल बढ़कर कितनी हो गई बच्चा, इनकी संख्या टोटल बढ़कर हो गई फिर 11, मौलिक कर्तव्य कितने हो गए, 11 हो गए। जो बाद में जोड़ा गया है वो क्या था, तो प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराए, ये कौन सा था, ये 11वां था। बाकी के 10 में से कुछ मैं आपको इंपोर्टेंट बता दे रहा हूँ क्या है, जैसे इसमें कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह अपने संविधान और हमारा जो संविधान है उसका पालन करे, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, उनका सम्मान करे। और बताया गया है इसमें कि जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी तत्व हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखे। और बताया गया है कि भारत की जो एकता और अखंडता है और संप्रभुता, उसको अक्षुण बनाए रखे, उसकी सुरक्षा करे, ठीक है। और बताया गया है कि देश की सुरक्षा करे और आह्वान किए जाने पर कभी भी तत्पर रहे, मतलब देश की सुरक्षा का मतलब है जैसे आपका एक कर्तव्य है कि हम अपने देश की सुरक्षा करें,
और जब भी जरूरत होती है देश को हमारी, जैसे युद्ध की स्थिति हो गई या कोई कंडीशन हो गई, तो उस कंडीशन में हमें जाना चाहिए, खड़ा होना चाहिए वहां। ठीक है, ऐसे ही कुछ आगे और आपके पशुओं के लिए बताया गया है, कुछ कुछ और चीजें भी यहाँ पर बताई गई। ठीक है, तो ये जो आपका 11वां है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये काफी इंपोर्टेंट है। कैसे इंपोर्टेंट है देखिए, एक्चुअली इससे क्वेश्चन बन जाता है, ये तीनों जगह पर है। 11वां मौलिक कर्तव्य आपका मौलिक कर्तव्यों में है, ये संविधान के अनुच्छेद 21 में है और अनुच्छेद 45 में है। ठीक है, मतलब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल है, ये मौलिक अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21। ठीक है, और ये आपका 86 में संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य भी है, तो ये तीनों चीजों में आता है, इसीलिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। हमसे बनडे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन बनेंगे मौलिक कर्तव्यों से, वो इसी से बनेंगे, याद रखना। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना, ये इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम अगला टॉपिक जो लेके आएंगे वो है आपका राष्ट्रपति। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।